बुलेरो नियो को यदि आप साइड से देखते हो तो ये मोर मॉडर्न अवतार है बुलेरो का, जहाँ पे जो इसका शेप है वो एक मिलिट्री टैंक से मिलता जुलता है। कुछ इस तरीके का बॉक्सी आकार देखने के लिए मिलता है बुलेरो का। राइट साइड में है बुलेरो नियो N10 और लेफ्ट साइड में है महिंद्रा बुलेरो B6 ऑप्शन। आज के इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं साइड बाय साइड दोनों गाड़ियों को कि आपको क्या क्या डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों में देखने के लिए मिलने वाला है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड वीडियो ऑफ क्षितिज द्विवेदी डिफरेंट वीडियोज। और आज के इस वीडियो में करते हैं बात थोड़ी सी अलग थोड़ी सी डिफरेंट। सो मेरा नाम है क्षितिज द्विवेदी और मैं जो इस वीडियो में आपसे बात करूँगा बुलेरो नियो N10 वर्सेस बुलेरो B6 ऑप्शनल के बारे में। सो वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आ जाते हैं बुलेरो नियो की तरफ। तो यहाँ पे जो आपको रेडिएटर ग्रिल देखने के लिए मिलती है फुल क्रोम के साथ देखने के लिए मिलती है हनीकॉम्ब मैश पैटर्न के साथ। सामने से देखोगे ना तो जो बुलेरो नियो आपको देखने के लिए मिलेगी ना वो ज़्यादा मॉडर्न देखने के लिए मिलेगी, और जो इसका टेपरिंग है वो आपको नॉर्मल बुलेरो से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर आप बुलेरो नॉर्मल वाली जो है टेपर जो इसमें कम देखने के लिए मिल जाता है, और ये वाली जो विंडशील्ड है वो ज़्यादा ओल्ड क्लासिक लुक वाली है इस विंडशील्ड से अगर हम कंपेयर करें। बोनट अगर आप कंपेयर करोगे साइड बाय साइड तो बुलेरो का आपको बड़ा देखने के लिए मिलेगा और बुलेरो नियो का आपको छोटा देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो कैरेक्टर लाइंस हैं वो सेम देखने के लिए मिलती हैं दोनों में। रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो जो आपको महिंद्रा बुलेरो में देखने के लिए मिलती है वो शुरुआत से चली आ रही है, और बीच में आपको ये क्रोम गार्निश क्रोम एक्सेंट भी देखने के लिए मिल जाती है इस रेडिएटर ग्रिल में। ये पूरा ग्लॉसी ग्रे फिनिश में देखने के लिए मिलता है ये पूरा। अगर इसकी बात करें तो ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है। आ जाते हैं हेडलैम्प्स की तरफ, DRL देखने के लिए मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर हेडलैम्प है हेलोजन बल्ब वाला, स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है, ये वाली पार्किंग लैम्प देखने के लिए मिल जाएगा, नॉर्मल है, यहाँ पे DRL देखने के लिए नहीं मिलते, यहाँ पे स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प इस तरफ देखने के लिए मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर इस तरफ देखने के लिए मिलते हैं, और ये आपका रिफ्लेक्टर है। ये आपको ज़्यादा रगेड SUV मिलती है, ये आपको कम रगेड SUV मिलती है, मोर रूरल पर्पज़ SUV, लेस रूरल पर्पज़ SUV, लेस अर्बन पर्पज़ SUV, मोर अर्बन पर्पज़ SUV। आपको ये इस तरीके की ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है जो थोड़ी सी थिकनेस कम देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक की देखने के लिए मिल जाती है, थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा है। बाकी अगर बम्पर क्वालिटी की बात करें तो ये आपको प्लास्टिक का देखने के लिए मिलता है, और ये आपको पेडिस्ट्रियन सेफ्टी से कंप्लाई करता हुआ पहली गाड़ी है जहाँ पे आपको इस तरीके का लोहे का बम्पर देखने का मिलता है। फॉग लैम्प्स दोनों गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके का बॉक्सी आकार देखने के लिए मिलता है बुलेरो का, जो आपको ज़्यादा बॉक्सी लगने वाला है अगर कंपेयर करें हम बुलेरो नियो से। यहाँ पे डोर का साइज़ दिया गया है बुलेरो का वो छोटा दिया गया है अगर हम कंपेयर करें बुलेरो नियो से। साइड में बीडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे आपको MHawk D75 की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये ORVM जो है आप बाहर से एडजस्ट करोगे। जो विंडो का साइज़ है वो बुलेरो नियो का ज़्यादा बड़ा देखने के लिए मिलता है। ये हिंजेस हैं वो आउटर में देखने के लिए मिलती है, और इसके ऊपर एक यहाँ पे शीट मेटल नहीं लगाया गया है जैसे आपको बुलेरो नियो में या स्कॉर्पियो में पूरा कवर देखने के लिए मिलता है। इसमें पूरा जो है आपको लोहा लाड़ गाड़ी देखने के लिए मिलती है, मतलब एक ओल्ड स्कूल क्लासिक लुक देखने के लिए मिलता है। ये बुलेरो B6 की बैजिंग देखने के लिए मिलती है, B6 ऑप्शनल वेरिएंट है। ये वेंटिलेशन के लिए देखने के लिए मिल जाता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का आपको इस साइड पे फिलर देखने के लिए मिल जाता है। ये डेमो व्हीकल है तो यहाँ पे आपको व्हील कैप्स देखने के लिए नहीं मिल रहे, पर इस वेरिएंट में आपको व्हील कैप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी ये ब्लैक स्टील रिम व्हील्स देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे टायर प्रोफाइल है 215/75R15 ब्रिजस्टोन के टायर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे के व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं।
अलॉन्ग विथ लेटेस्ट जनरेशन एंटी ब्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो यहाँ पे क्लैडिंग देखने के लिए मिलती है, बॉडी कलर देखने को मिलती है और 3D इफेक्ट के साथ देखने को मिलती है। मतलब ये इसके लुक को काफ़ी अट्रैक्टिव बना देती है, ये इसको बोलेरो बना देती है, एक डिफरेंट लुक दे देती है। ये ड्रिप देखने के लिए मिल जाती है, जिससे बारिश का जो पानी है वो छत से जब आता है तो इससे होकर के नीचे चला जाता है। बॉडी में आपको यहाँ पे डिकैल्स देखने के लिए मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। बोलेरो में आपको स्टील वाला एंटीना देखने के लिए मिलता है, जो कि साइड में लगाया है। तो आप चलते हैं हम अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इसका इंटीरियर कंफर्ट कैसा है। यहाँ पे आपको पुल अप टाइप का डोर हैंडल मिलता है, सिटिंग अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे इतना नी रूम देखने के लिए मिल रहा है, लेग रूम भी सफिशियंट है। थाई सपोर्ट की थोड़ी सी फ्रंट सीट्स में कमी है, बोलेरो में आपको इतना अच्छा कंफर्ट नहीं मिलता अगर फ्रंट सीट की बात करें। हेड रूम में आपको इतना स्पेस देखने के लिए मिलता है। अगर इसके सिटिंग कम्फर्ट की बात करें रियर वाली की, तो रियर वाली सीट कम्फर्टेबल है और यहाँ पे आपको नी रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है, हेड रूम भी अच्छा खासा मिल रहा है और अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है यहाँ पे। बाकी कंफर्ट मिडिल कंपार्टमेंट वाली सीट का यहाँ भी आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। बोलेरो नियो को यदि आप साइड से देखते हो तो ये मोर मॉडर्न अवतार है बोलेरो का, जहाँ पे जो इसका शेप है वो एक मिलिट्री टैंक से मिलता जुलता है। बाकी जैसी चीज़ मैं आपको बता रहा था ना बोलेरो के टाइम पे, कि आपको शीट मेटल ऊपर साइड में नहीं मिलता, इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। एरोडायनामिक्स के लिए वेल प्लेस्ड कैरेक्टर लाइंस देखने को मिल जाती हैं। साइड बीडिंग्स तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, एक डिफरेंस ये है कि जो टर्न इंडिकेटर है वो साइड बीडिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बोलेरो में आपको साइड बीडिंग में देखने के लिए मिल जाता है। और फुटस्टेप देखने के लिए मिल जाते हैं, ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं बोलेरो नियो में। अगर नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको 215/75R15 टायर की प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है। C8 के CZR टायर्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। बाकी 15 इंच के अलॉय व्हील्स इस वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे ये N10 टॉप एंड वेरिएंट है। व्हील आर्चेस में प्रोटेक्टिव साइड क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाती है, बॉडी कलर नहीं दी गई है, नॉर्मल मैट ब्लैक फिनिश में दी गई है। सिल में भी आपको क्लैडिंग पूरी मिल रही है, बॉडी कलर देखने के लिए ऊपर मिल रहा है और उठी हुई नहीं दी गई है। ये जो ORVM देखने के लिए मिलते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, ये आपको स्कॉर्पियो की तरह देखने के लिए मिल जाते हैं। डोर हैंडल आपको इन्हीं बीडिंग से मिलते जुलते देखने के लिए मिलते हैं। पुल आउट टाइप के डोर हैंडल्स देखने के लिए मिलते हैं। रूफ रेल्स इस गाड़ी में भी नहीं मिलती, उस गाड़ी में भी नहीं मिलती। बी पिलर और सी पिलर में मैट ब्लैक टेप देखने के लिए मिल जाता है। आगे की व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स देखने के मिलते हैं, पीछे के व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं, अलॉन्ग विथ लेटेस्ट जनरेशन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ और आपको इसके कंफर्ट के बारे में बताते हैं। और गाड़ी थोड़ी सी गंदी है बिकॉज मैं टेस्ट ड्राइव करके ला रहा हूँ। जो इसकी डोर की ओपनिंग है ना, वो बोलेरो से ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है, और इसका जो डोर का साइज है वो बोलेरो से ज़्यादा है। कम्फर्ट वाइज ये गाड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, ज़्यादा अच्छी कुशनाइज सीट देखने के लिए मिल जाती है। लेग रूम, नी रूम, थाई सपोर्ट यहाँ पे बेहतरीन देखने के लिए मिल जाता है। अगर हेड रूम की बात करें तो आपको इतना मिलता है, थाई सपोर्ट उस बोलेरो से कंपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। मिडिल कंपार्टमेंट वाली सीट है वो ज़्यादा कुशनाइज कंफर्टेबल, थाई सपोर्ट यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है। हेड रूम बोलेरो से कंपेयर किया जाए तो कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो अंडर थाई सपोर्ट और नी रूम और हेड रूम है सफिशियंट अच्छा लग रहा है और मतलब कंफर्टेबल है। और सीट का जो एंगल है वो बोलेरो से अच्छा देखने के लिए मिलता है बोलेरो नियो में। यहाँ पे मैं एक चीज़ फील कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेस है। मतलब कैबिन का जो आपको महिंद्रा बोलेरो नियो में ऑप्टिमाइजेशन करके दिया गया है, मुझे जो कैबिन स्पेस है इसका अच्छा लग रहा है। बाकी बीच में भी अच्छा कम्फर्ट देखने के लिए मिल रहा है और इस साइड में जो आपको थाई सपोर्ट की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है, पूरा एक जैसे देखने के लिए मिलता है। तो ये है दोनों गाड़ियों का रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल से अगर देखेंगे तो दोनों गाड़ियों में आपको स्टेपनी देखने के लिए मिल जाती है। इसमें आपको एक्स पैटर्न कवर देखने के लिए मिल जाता है स्टेपनी का, और इसमें आपको नॉर्मल जो पहले वाला है वो देखने के लिए मिल जाता है। ये मोर बॉक्सी डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है, पीछे से मोर टेपर डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। गाड़ी में आपको स्पॉइलर भी देखने के लिए मिल जाता है, एडिशनल एक्सेसरी के तौर पे लगवा सकते हो। टेल लैंप यहाँ पे इतने लंबे वाले देखने के लिए मिल जाते हैं, रेक्टेंगल शेप के देखने के लिए मिलते हैं ट्रांसपेरेंट लेंस के साथ में। यहाँ आपको पूरा टेल लैंप रेड लेंस के साथ देखने के लिए मिलता है, सिर्फ इंडिकेटर और रिवर्स लाइट यहाँ पे क्लियर लेंस के साथ मिलती है। बोलेरो नियो की यहाँ पे बड़ी सी बैजिंग दी गई है, यहाँ पे N10 की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। नंबर प्लेट नीचे लगाई गई है, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, इसमें नंबर प्लेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। टोटल 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स
बोलेरो नियो में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको एलईडी वाला हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है, यहाँ पे आपको बल्ब वाला हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है। विंडशील्ड में आपको सिर्फ वाइपर और वॉशर देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे आपको डिफॉगर देखने के लिए मिलते हैं। रियर विंडशील्ड बोलेरो नियो की ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। बोलेरो में वही ओल्ड क्लासिक लुक वाली पुराने टाइप की जो कि रबर बीडिंग से फिट रहती है वो वाली विंडस्क्रीन देखने के लिए मिलती है रियर में। अब चलते हैं बोलेरो के थर्ड कंपार्टमेंट में। तो इसकी जो टेल गेट की ओपनिंग है वो बोलेरो नियो से कम है, और यहाँ पे जो सिटिंग कंफर्ट है बोलेरो नियो से जो हेडरूम देखने के लिए मिलता है थर्ड कंपार्टमेंट में वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है नॉर्मल बोलेरो में। बाकी सीट भी यहाँ की काफ़ी चौड़ी है तो आराम से आप बैठ सकते हो, अच्छा कंफर्ट मिलेगा आपको रियर में। बोलेरो के थर्ड रो में एक चीज अच्छी है कि जो सीलिंग है उसमें आपको एक कैविटी मिलती है जिससे आपको एक्सटेंडेड हेडरूम मिल जाता है। अगर गाड़ी कूदती भी है तो स्पीड ब्रेकर या गड्ढों में तो आपका सिर टकराएगा नहीं, और जो ऊंचाई है वो भी ज्यादा है बोलेरो नियो से। ज्यादा ओपनिंग मिलता है टेल गेट का, और आपको जो सीट्स मिलती हैं वो छोटी मिलती हैं बोलेरो से कंपेयर करें, पर चढ़ने में आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली जितनी कि आपको बोलेरो में आती है, बिकॉज ये बोलेरो से लोवर है। एक आदमी यदि बैठे तो उसको यहाँ पे कंफर्ट प्रोवाइड हो जाएगा, कंफर्ट फील होगा, बट जंप सीट है, दो लोग बैठेंगे तो आपस में पैर टकराएंगे। तो मेरी हाइट और मेरे बराबर यदि मोटा आदमी है, एडल्ट है, अगर सिंगल यहाँ पे बैठेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेडरूम मिलता है ना बहुत कम है, मतलब जब अगर आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर में कूदेगी तो आपका सिर ऊपर टकराएगा। तो यहाँ पे जनरली अगर बच्चे बैठे तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आप इसको थर्ड विंडो को खोल सकते हो अपने वेंटिलेशन के लिए यदि आपको गर्मी लग रही है। दोनों ही गाड़ियों में 1.5 लीटर्स का 3 सिलेंडर BS6 डीजल इंजन देखने के लिए मिल जाता है जिसे महिंद्रा कहता है M-Hawk। ट्यूनिंग में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलता है, जहाँ पे बोलेरो में आपको 75 BHP का पावर देखने के लिए मिल जाएगा और 210 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। अगर वहीं हम बोलेरो नियो की बात करें तो वहाँ पे आपको 100 BHP का पावर देखने के लिए मिलता है और 260 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। राइड और हैंडलिंग में जो बोलेरो है डिसेंट मिलेगी, ड्राइविंग डायनेमिक्स ओके हैं, सीट का जो कंफर्ट है वो यहाँ पे फ्रंट के लिए अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है, बिकॉज ड्राइवर के लिए और को पैसेंजर के लिए या को ड्राइवर के लिए अंडर थाई सपोर्ट की फ्रंट कंपार्टमेंट या फर्स्ट रो वाली सीट में थोड़ी सी आपको कमी नजर आएगी। परफॉर्मेंस की अगर बात करें डिसेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, पिकअप काफी अच्छा यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ब्रेकिंग भी पहले वाली बोलेरो से काफी हद तक बेटर कर दी गई है, और यहाँ पे आपको लेटेस्ट जनरेशन का एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए नहीं मिलता है। AC ठीक है, मतलब फ्रंट रो में तो अच्छा मुझे महसूस हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है, पावरफुल है, और सेकेंड रो में भी। थर्ड रो में ये AC थोड़ी देर में आपको कूलिंग करके देता है, हाँ कूलिंग अच्छी कर देता है पर थोड़ा समय लगता है। इसके पहले वाली बोलेरो आती थी उससे कंपेयर करें तो काफ़ी स्मूथ और मक्खन की तरह गाड़ी चलती है। राइड थोड़ी सी यहाँ पे बम्पी आपको मिलेगी यदि आप गड्ढों के ऊपर से निकलोगे, आराम से झेल लेती है गड्ढों को, स्पीड ब्रेकर को बढ़िया परफॉर्म करती है, पर थोड़ा सा जो सस्पेंशन का मैच है ना फ्रंट और रियर में अलग अलग आपको मिलता है, इसलिए उतना हो नहीं पाता है। पीछे आपको लीफ स्प्रिंग मिलता है, आगे आपको कॉयल स्प्रिंग मिलता है, पर लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इस बोलेरो की ज्यादा हो जाती है। बोरियां लाद सकते हैं, अच्छा खासा इसको लोड कर सकते हैं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी पिकअप वगैरह में। ड्राइविंग प्लेजर, फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस ओके आपको मिलता है, मतलब कि मैं इसको चलाते रहूं तो ये वाली फील यहाँ पे आपको थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी। विलेज और रूरल पर्पस के हिसाब से ये गाड़ी बनाई गई है, ज्यादा वहीं के लोग इसे पसंद करते हैं बिकॉज इसे आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। रोड प्रेजेंस पे इस गाड़ी की काफी जबरदस्त है, मतलब मुड़ के लोग देखते हैं, साथ ही साथ अधिकारियों को जो सरकारी काम करते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं उनको ये गाड़ी मिलती है लाल बत्ती के साथ में। इंसुलेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी का, जो इंजन नॉइज है वो कैबिन में बहुत कम आता है, NVH लेवल काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं पिछली वाली बोलेरो से अगर कंपेयर करूँ मैं। पर हाँ, हायर स्पीड में
हायर आरपीएम पे जो इंजन की आवाज़ है, विंड की नॉइज़ है, वो आती है अंदर कैबिन में, और आपको उस टाइम पे बॉडी रोल थोड़ा सा एविडेंट रहेगा और थोड़ा सा उस टाइम पे आपको इसकी हैंडलिंग में दिक्कत आ सकती है। 80 की स्पीड में आप इसे अगर चलाते हो ना, बेस्ट आपको वहाँ पे माइलेज भी मिल जाता है, वहाँ पे आपको इसकी हैंडलिंग मिल जाती है। फीडबैक वाइज काफ़ी अच्छी स्टीयरिंग व्हील है। सिंगल एयर बैग देखने के लिए मिलता है सेफ्टी के लिए सिर्फ ड्राइवर साइड में। चलाने में देखें तो बुलेरो नियो आपको और अच्छी लगेगी, पर यहाँ पे जो इंजन की आवाज़ है कैबिन में वो बुलेरो से ज़्यादा आती है। जो वाइब्रेशन मिलते हैं स्टीयरिंग व्हील और गियर लिवर में, वो बुलेरो से यहाँ पे कम देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग व्हील इसका काफ़ी लाइट है अगर बुलेरो से कंपेयर करें, और फीडबैक भी इसका और अच्छा हो जाता है। कंफर्टेबल राइड आपको यहाँ पे मिलती है बिकॉज जो पीछे है कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन ही देखने के लिए मिलेंगे। लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। दोनों ही गाड़ी आपको रियर व्हील ड्राइव देखने के लिए मिल जाती है। बॉडी ऑन लैडर फ्रेम पे बुलेरो जो है अपने ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे आती है, बुलेरो नियो वो स्कॉर्पियो के थर्ड जनरेशन चेसी पे बेस है, तो ये थोड़ी सी और अच्छी बिल्ट में आपको मिल जाएगी। लोग कहते हैं ना कि बुलेरो ज्यादा मजबूत है, ये कम मजबूत है, तो ऐसा नहीं है, दोनों गाड़ियां बराबर मजबूत हैं। ड्राइविंग डायनेमिक्स में बुलेरो से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छा कंफर्ट मिलता है बिकॉज फ्रंट की जो सीट है ना, इसमें आपको बेहतरीन थाई सपोर्ट मिल जाता है और आपको चलाने में भी मज़ा आता है गाड़ी को। परफॉर्मेंस यहाँ पे और अच्छी मिल जाती है। पिकअप जो है वो भी काफ़ी अच्छा है अगर बुलेरो से तुलना करें। थोड़ा ज़्यादा आरपीएम तक आपको यहाँ पे पावर डिलीवरी इसकी मिल जाती है। इसमें आपको और सेफ्टी मिलती है बिकॉज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ साथ इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है। दो एयरबैग्स आपको मिलते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, तो ये इसकी सेफ्टी को और बढ़ा देता है। बुलेरो जितनी ही स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है, पर थोड़ी सी और अजाइल ये गाड़ी है आपकी। बुलेरो से और स्मूथ ये भागती है, मतलब इसमें जो फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस है वो और अच्छा आएगा आपको, मतलब बुलेरो से और ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्कॉर्पियो से कम आएगा। रोड प्रेजेंस बुलेरो से कम है डेफिनेटली, अभी नई है। बॉडी रोल इसमें भी आपको बुलेरो के लेवल का मिल जाएगा। दोनों का टर्निंग रेडियस आपको सेम देखने के लिए मिलता है, मतलब यू टर्न अप करोगे तो दोनों एक जैसी ही लगेंगी। एसी इसका और पावरफुल मिलता है, मतलब यहाँ पे ये नहीं लगता हमें कि पीछे भी एसी के वेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे आपको थर्ड कंपार्टमेंट तक और जल्दी कूलिंग मिल जाती है अगर बुलेरो से कंपेयर करें। अगर सिटिंग पोजीशन की बात करें तो मुझे बेस्ट लगती है बिकॉज आप कमांडिंग पोजीशन में बुलेरो और बुलेरो नियो दोनों में बैठते हो, तो आपको जो व्यू मिलता है ना, जो विजिबिलिटी मिलती है, मतलब आपको इतना अच्छा सामने का बोनट का दोनों कॉर्नर इजिली विजिबल होता है और हर चीज़ दिखती है, आपको गाड़ी कहीं ले जाने में दिक्कत नहीं होगी कभी भी। ड्राइविंग डायनेमिक्स, ड्राइवेबिलिटी और ड्राइविंग प्लेजर, राइड हैंडलिंग, ये बुलेरो नियो की आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है बुलेरो से। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना, तो मैंने बुलेरो नियो का पूरा बनाया हुआ है, और अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, मैं बुलेरो का भी एक ड्राइविंग रिव्यू बना दूंगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्लिप की देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आपको लॉक अनलॉक और सर्च का बटन देखने के लिए मिलता है। बुलेरो और बुलेरो नियो दोनों में आपको 2680 mm का ही व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। लेंथ दोनों की ही 3995 mm की मिलती है, जो बुलेरो है उसकी चौड़ाई 1745 mm की मिलती है। वहीं पे अगर बुलेरो नियो की बात करें तो 50 mm चौड़ी ये गाड़ी मिलती है, इस वजह से आपको कैबिन स्पेस और अच्छा मिल जाता है, बीच में आप लोग आराम से तीन लोग बैठ जाओगे। हाइट बुलेरो की ज्यादा मिलती है 1880 mm की, और बुलेरो नियो में आपको 1817 mm की हाइट देखने के लिए मिलती है, जो कि 63 mm कम है बुलेरो से। दोनों ही गाड़ियों में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है, जो मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। डोर ट्रिम्स की बात करें तो जो बुलेरो है उसमें आपको वही ओल्ड क्लासिक स्टाइल वाला डोर ट्रिम मिलता है, जहाँ पे आपको एक नॉर्मल हैंडल मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिलता है, सारी चीज़ें आपको स्क्रू से कसी हुई देखने के लिए मिलेंगी, और जो क्वालिटी है वो डिसेंट है। बुलेरो नियो में आज का जो मॉडर्न ज़माने वाला वो डोर ट्रिम होता है, जो पूरा डोर कवर कर देता है अंदर साइड से,
वो वाला आपको डोर ट्रिम देखने के लिए मिलता है बेज कलर में। ग्रैब हैंडल आपको बेहतरीन ग्लॉसी सिल्वर फिनिश में देखने के लिए मिलता है, जो इसको एक काफी प्रीमियम लुक दे देता है। डोर हैंडल है नॉर्मल देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टोरेज जो यूटिलिटी है वो बुलेरो में कम देखने के लिए मिलती है। छोटा सा मैगजीन होल्डर देखने के लिए मिलता है फ्रंट कंपार्टमेंट में, और सेकेंड रो में वो भी नहीं मिलता। बुलेरो नियो में ज्यादा देखने के लिए मिलती है जहाँ पे फ्रंट और सेकेंड रो में आपको बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं डोर में। दोनों गाड़ियों में आपको पूरे पावर विंडो के कंट्रोल है वो बीच में रहते हैं, तो पीछे वालों को परेशानी होती थी, इसलिए इस बार ये चीज को काफी अच्छा किया गया है कि जो सेकेंड रो वाले डोर्स हैं उसमें आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स डोर ट्रिम्स में ही दे दिए गए हैं। बुलेरो में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है रेड इल्यूमिनेशन के साथ में। विड्थ है ना वो थोड़ी सी नैरो है, उस वजह से जब आप ड्राइविंग करते हो ना, तो अगर आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कुछ चीज देखनी पड़ती है ना, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगा के देखना पड़ता है। मतलब एक बार में आप नहीं समझ सकते कि आपकी स्पीड कितनी है या आपका किस RPM पे इंजन है। जो सेंटर है ना डैशबोर्ड का, वहां पे भी आपको इसका हिस्सा देखने के लिए मिल जाता है, जो बेसिकली मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। काफी छोटा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, मतलब ज्यादा हाइट पे नहीं है ये, और राइट साइड में ड्राइवर साइड में स्पीडोमीटर टैकोमीटर और सारी वार्निंग लाइट्स वो देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ इंजन टेम्परेचर गेज ओडोमीटर और फ्यूल गेज देखने के लिए मिलता है, और जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम में गियर शिफ्ट इंडिकेटर है ट्रिप मीटर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी डिस्टेंस टू एम्प्टी DEF की वार्निंग क्लॉक, तो ये आपको एफर्ट करके देखना पड़ता है। वहीं अगर मैं बुलेरो नियो की बात करूं तो बुलेरो नियो के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको स्टैंडर्ड अरेंजमेंट मिलता है, जहां पे पूरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का एरिया है वो सिर्फ राइट साइड में ड्राइवर साइड में दिया गया है स्टीयरिंग व्हील के आगे। राइट साइड में स्पीडोमीटर मिलता है, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर मिलता है, और बीच में एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसमें एक बहुत बेहतरीन एनिमेशन आता है जब आप ऑन करते हो ना गाड़ी को, तो उसमें बुलेरो नियो लिखा आता है जो थार से मिलता जुलता है। ये थोड़ा सा और मॉडर्न इसे बनाता है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर फ्यूल गेज इंजन टेम्परेचर गेज ओडोमीटर ट्रिप मीटर डिस्टेंस टू एम्प्टी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी DEF की जो वार्निंग होती है वो सारी एसेंशियल वार्निंग लाइट्स सारी चीज़ें इजिली विजिबल हो जाती हैं। दोनों गाड़ियों में आपको सेम स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है। अगर बुलेरो की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल्स देखने के लिए नहीं मिलते, ना ही क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिलता, ना ही स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट का आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया गया है टिल्ट या टेलीस्कोपिक का। वहीं अगर बुलेरो नियो की बात करें तो इसका स्टीयरिंग व्हील जो है यहाँ पे आपको प्रीमियम सिल्वर फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है, माउंटेड कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में ऑडियो फोन ब्लूटूथ कंट्रोल मिलते हैं, राइट साइड में यहाँ पे क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है, टिल्ट एडजस्टमेंट स्टीयरिंग व्हील में देखने के लिए मिल जाते हैं। बुलेरो में आप ड्राइवर सीट को रिक्लाइन कर सकते हो और स्लाइड कर सकते हो। वहीं अगर बुलेरो नियो की बात करें तो यहाँ पे आपको सिक्स वे एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलता है, जहाँ से आप ड्राइवर सीट को रिक्लाइन कर सकते हो स्लाइड कर सकते हो, और ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बुलेरो के लिए आपको एडजस्ट होना पड़ता है और बुलेरो नियो आपके लिए एडजस्ट होती है ड्राइविंग एर्गोनॉमिक्स के लिए। बुलेरो में टोटल 4 स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं, वहीं अगर बुलेरो नियो की बात करें तो टोटल 6 स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं, स्पीकर्स 2 ट्विटर्स। तो जो आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस बुलेरो नियो में होगा ना वो काफी अच्छा होगा अगर बुलेरो से कंपेयर करें। जो महिंद्रा बुलेरो का है सेंटर कंसोल में आपको वुडन फिनिश देखने के लिए मिल जाती है, वहीं अगर बात करें बुलेरो नियो में तो वहां पे आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है, पर जो प्रीमियमनेस है वो बुलेरो नियो के डैशबोर्ड में आपको ज्यादा मिलेगी अगर रेगुलर बुलेरो से कंपेयर करें। हार्ड प्लास्टिक आपको दोनों गाड़ियों के डैशबोर्ड में देखने के लिए मिल जाएगा, पर जो बुलेरो के हार्ड प्लास्टिक की क्वालिटी है वो थोड़ी सी चीप मिलती है,
पूरा बेज देखने के लिए मिलता है। जबकि अगर बोलेरो नियो की बात करें, हार्ड प्लास्टिक की क्वालिटी है जो डैशबोर्ड में उपयोग किया गया है वो ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। डुअल टोन आप कह सकते हो, ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, मतलब ज़्यादा लग्जरी और प्रीमियमनेस का अगर आप इंटीरियर में जाओगे तो आपको ज़्यादा फील आएगा बुलेरो नियो में, अगर हम कंपेयर करते हैं बुलेरो से, बिकॉज यहाँ पे जो सारी चीज़ों की क्वालिटी है बुलेरो नियो में वो थोड़ी सी अच्छी यूज़ करी गई है। जो बुलेरो नियो है वो मोर फॉर अर्बन एरिया कस्टमर्स के लिए बनाई गई है, जबकि जो रेगुलर बुलेरो है वो अर्बन एज वेल एज रूरल दोनों कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई गई है। बुलेरो में आपको एक सिंगल डिन म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है जो कि केनवुड की तरफ से आपको दिया गया है। यहाँ पे ब्लूटूथ, ऑक्स और यूएसबी की कनेक्टिविटी के द्वारा आप गाने बजा सकते हो। ब्लूटूथ की मदद से आप सारी फोन की फंक्शनैलिटी इसी अपने सिस्टम में एक्सेस कर सकते हो और तरह तरह की फंक्शनैलिटी यहाँ पे यूज कर सकते हो, एंड्रॉयड और एप्पल की। आप इसमें एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगवा सकते हो। अगर बुलेरो नियो की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं दिया गया है। आप इसमें नॉर्मल फंक्शन जो है वो एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे ब्लू सेंस मोबाइल ऐप के द्वारा आप यहाँ पे सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो, रेडियो, फोन, कार इन्फो, सेटिंग, ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले हो सकता है आने वाले अपडेट्स में मिल जाए आपको। साइड में बटन प्लेस है, पूरी जो फिनिशिंग है इन डायल और बटन्स में क्रोम की देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ सराउंडिंग में थोड़ा सा आपको हिस्सा पियानो ब्लैक का भी देखने के लिए मिलता है। दोनों में आपको मैनुअल टेम्परेचर कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलता। जो कंट्रोल्स की पूरी फिनिशिंग है ना, क्रोम का यहाँ पे उपयोग किया गया है बुलेरो नियो के केस में, ये थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगता है। वेंट पोजीशन का भी नॉब दिया गया है, डिफरेंट वेंट्स आपको मिल जाते हैं विंडशील्ड के पास में, फ्रंट में, लेग रूम में, तो ये चीज बुलेरो नियो में एक एडिशनल फीचर मिल जाता है। महिंद्रा बुलेरो में इकोनॉमी मोड देखने के लिए नहीं मिलता है, जबकि बुलेरो नियो में आपको एसी में भी इकोनॉमी मोड मिलता है और ड्राइविंग के लिए भी इकोनॉमी मोड मिलता है, जिससे आप माइलेज को कई हद तक और एनहांस कर लेते हो। बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप बटन जो माइक्रो हाइब्रिड के लिए दिया गया है वो दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाता है। फिट और फिनिश के मामले में आपको बुलेरो नियो थोड़ी सी इम्प्रूव देखने के लिए मिलती है अगर आप बुलेरो से कंपेयर करोगे। बाकी बुलेरो नियो में 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है और बुलेरो में 60 लीटर्स का, तो शायद आपको एवरेज तो दोनों का सेम ही देखने के लिए मिलता है। बुलेरो नियो में फ्रंट एज वेल एज सेकेंड रो दोनों जगह आपको आर्म रेस्ट देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर बुलेरो की बात करें तो सिर्फ आपको मिडिल कंपार्टमेंट या रियर कंपार्टमेंट वाली सीट पे ही आर्म रेस्ट देखने के लिए मिलेगा। पहले बुलेरो में भी वॉइस मैसेजिंग सिस्टम आता था ZLX टॉप मॉडल में, लेकिन जब से B6 ऑप्शन आई तो वॉइस मैसेजिंग सिस्टम जो है वो हटा लिया गया। लेकिन बुलेरो नियो में आपको N8 और N10 दोनों वेरिएंट्स में वॉइस मैसेजिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, जो सीट बेल्ट वार्निंग बताता है, डोर खुला है वो बताता है, फ्यूल रिजर्व पे है वो बताता है। जो एडिशनल फीचर जो सेफ्टी के बुलेरो नियो में दिए गए हैं, पहला तो है मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी, या हम कह सकते हैं मैनुअल लॉकिंग डिफरेंशियल देखने के लिए मिल जाता है, तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है। ये सेमी 4x4 की तरह भी काम करता है। आपको यहाँ पे कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ मिडिल कंपार्टमेंट वाली सीट पे आइसोफिक्स एंकरेजेस मिल जाते हैं चाइल्ड सीट माउंट करने के लिए। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ना बुलेरो में मिलता है ना बुलेरो नियो में मिलता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट और मिडिल कंपार्टमेंट में बुलेरो और बुलेरो नियो दोनों गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में ड्राइवर साइड सन वाइजर में वैनिटी मिरर देखने के लिए नहीं मिलता, सिर्फ को ड्राइवर साइड में देखने के लिए मिलता है। बुलेरो नियो में सन वाइजर में टिकट होल्डर मिल जाता है ड्राइवर साइड में। बाकी IRVM डे नाइट फीचर के साथ देखने के लिए मिल जाता है मैनुअल एडजस्टमेंट वाले। बुलेरो नियो में आपको मॉडर्न वाले IRVMs मिलते हैं जो कि विंडशील्ड में माउंटेड दिए गए हैं। जो कैबिन लैंप है वो बुलेरो नियो में फिक्स्ड देखने के लिए नहीं मिलते, यहाँ पे टोटल फ्रंट के लिए 3 आपको कैबिन लैंप मिलते हैं
दो स्विवल करते हैं, मतलब घूमते हैं, और एक बीच वाला बड़ा कैबिन लैंप रहता है। जो पीछे थर्ड रो में देखने के लिए मिलता है वो आपका फिक्स देखने के लिए मिलता है, और हेलोजन वाले देखने के लिए मिलते हैं, येलो लाइट वाले। बुलेरो में सेंटर में आपको कैबिन लैंप मिलता है फिक्स वाला, येलो लाइट वाला। यूएसबी का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है मोबाइल चार्जिंग के लिए बुलेरो नियो में, एज वेल एज 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट देखने के लिए मिलता है फ्रंट में, जबकि बुलेरो में सिर्फ 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट ही देखने के लिए मिलता है। एसी के वेंट्स मिडिल कंपार्टमेंट के लिए दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। अगर बुलेरो नियो में कहीं 6 स्पीड दिया रहता तो ये थोड़ा सा एडवांटेज रहता। गियर नॉब की जो फिनिशिंग है वो बुलेरो नियो में सिल्वर फिनिशिंग में देखने के लिए मिल जाती है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगता है, और जो गियर का सराउंडिंग एरिया है वो बुलेरो नियो में ज्यादा प्रीमियम मिलता है पियानो ब्लैक के साथ में। पार्किंग ब्रेक लीवर की बात करें तो बुलेरो नियो में आपको ज्यादा अच्छी फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे क्रोम टिप के साथ पार्किंग ब्रेक लीवर मिलता है, जबकि बुलेरो में आपको सिंपल प्लास्टिक का ही टिप मिलता है। ट्रांसमिशन टनल के हम्प की बात करें, दोनों में बराबर देखने के लिए मिल जाता है। अगर बीच में एक बच्चा बैठे और किनारे किनारे दो एडल्ट बैठे, वही कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट रहेगा। तो यही था पूरा वीडियो बुलेरो वर्सेस बुलेरो नियो के बारे में। अगर बुलेरो नियो टॉप एंड वेरिएंट की मैं बात करूं, जो है N10 ऑप्शनल, उसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 10,99,001 रुपये है, जबकि बुलेरो का जो टॉप मॉडल है B6 ऑप्शनल, उसकी जो कीमत है वो 9,72,446 रुपये है। मोर देन 1,00,000 रुपीज का यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है। स्पेशल थैंक्स टू विन ऑटोमोबाइल्स, जो कि मिसरोद भोपाल में लोकेटेड है, जिन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए परमिशन दिया। यदि आपको महिंद्रा का कोई भी व्हीकल लेना हो, बुलेरो या बुलेरो नियो, सो आप अगर भोपाल में रहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, आपको बेहतरीन यहाँ पे डील देखने के लिए मिल जाएंगी। दोनों गाड़ियाँ रिलायबल हैं, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। दोनों बुलेरो नेम प्लेट के साथ ही आती हैं। जो बुलेरो के फैन हैं और उनको वही पुरानी वाली बुलेरो का लुक चाहिए और वही सारी कैपेबिलिटी चाहिए जो वो आज तक देखते आ रहे हैं, जो शुरू से बुलेरो लॉन्च हुई है तब से लेके अब तक, तो वो यहाँ पे बुलेरो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वास्तव में ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। कहीं पे भी आप इसे ले जा सकते हो, इससे कितना भी बोझ लाद सकते हो, ये कभी भी मना नहीं करेगी। लेकिन जो अभी तक बुलेरो यूज़ कर रहे थे और उनको गाड़ी अपग्रेड करनी है और उनको चाहिए कि हमें दोबारा बुलेरो ही लेनी है, या वो लोग जो सोचते हैं कि हमको बुलेरो तो लेनी है पर बुलेरो में कुछ फीचर्स की कमी देखने के लिए मिल रही है और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी हमें करनी है, ज़्यादा कैपेबिलिटी चाहिए, तो आप बिल्कुल जा सकते हो बुलेरो नियो की तरफ। मैंने पुरानी बुलेरो यूज़ की है या मैंने बहुत ज़्यादा देख ली है, कुछ फीचर्स की कमी है, तो आपको सेटिस्फाई बुलेरो नियो कर देगी। फैन फॉलोइंग पे डिपेंड करता है और आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आई होप ये जवाब आपके लिए सेटिस्फैक्शन वाला रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ फिर आपसे और किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंसली एंड बाय बाय।